भारतीय बैंकों में सौथी मोटू कौभांड थतु होय छे विजय माल्या थी लईने नीरव मोदी सुधीनो कौभांड जोवा मळ्या छे। त्यारे हवे वधु एक कौभांड बैंकनी साथे साथे पोस्ट ऑफिसमां पण करोड़ोनुं कौभांड सामे आव्युं छे। सामान्य रीते बैंकों में करोड़ों रुपयाना कौभांड थता होय छे, परंतु कच्छ में तो पोस्ट ऑफिस में करोड़ों रुपयानो कौभांड थयुं छे। लांबा समय थी चर्चाओना दौर वच्चे पोस्ट विभागना वड़ाए आजे कौभांड मुद्दे मौन तोड्युं हतुं। भूजनी रावलवाड़ी पोस्ट ऑफिस में 8 करोड़ वधुनी रकमनु कौभांड पोस्ट ऑफिस में थयुं छे। प्राथमिक तपास में सामे आव्युं छे। मळती माहिती प्रमाणे भूजनी जूनी रावलवाड़ी विस्तार में आवेली पोस्ट ऑफिस में आ कौभांड आचरायुं हतुं। पोस्ट ऑफिसना महिला एजेंटना पति अने पोस्ट ऑफिसना कर्मचारीओनी मिली भगतथी आ मसमोटू कौभांडने अंजाम आपवामां आव्यो हतो। खाताधारकोनी बोगस पासबुक, बोगस एंट्री तेमज पोस्ट विभागना सरकारी रेकॉर्डमां चोरी करी चेड़ा करी 8 करोड़थी वधु रकम बारोबार सेरवी लेवाई हती। आ अंगे जाण थता प्राथमिक तपास करवामां आवी हती, जेमां 8 करोड़नुं कौभांड थयुं होवानुं सामे आवता चकચાર मची जवा पामी छे। कच्छ अने सौराष्ट्र पोस्ट विभागना राकेश कुमार आजे पोस्ट विभागनी टिकिट विमोचनना कार्यक्रम प्रसंगे भूजमां आव्या हता। तेओए आ मुद्दे आजे जणाव्युं हतुं के रावलवाड़ी पोस्ट ऑफिसमां 8 करोड़नुं कौभांड थयुं छे। तपास दरमियान कौभांडनी रकम 8 करोड़थी वधी शके तेवी पण संभावना छे तेम तेमणे जणाव्युं हतुं। एजंट अने पोस्ट कर्मचारीओनी मिलीभगतथी आ नाणाकीय गैररीति थई छे। सीबीआई तपासनी मदद लेवा माटे भलामण करवामां आवी छे। छेल्ला 1 મહિનાથી કૌભાંડોની ચર્ચાઓ વચ્ચે આખરે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પોસ્ટ ઓફિસના વડા રાકેશ કુમારે આજે મૌન તોડી આ મુદ્દે માહિતી આપતા હડકંપ મચી જવા પામ્યો છે। આગામી સમયમાં નવા કડાકા ભડાકા થાય તેવી પણ શક્યતા સેવામાં આવી રહી છે। બેંકો બાદ હવે પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ નાણાં સલામત ન હોય તેવો અહેસાસ લોકોમાં થઈ રહ્યો છે। ત્યારે વધુને વધુ કૌભાંડો બહાર આવી રહ્યા છે। બેંકો બાદ હવે પોસ્ટ ઓફિસમાં પણ કરોડોના કૌભાંડ થતી હોવાની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે। देखिए घपला तो हुआ है और ये जो फ्रॉड है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था और इसमें जो प्रिलिमिनरी जांच में ये पता चला है कि जो उस ऑफिस में एजेंट थे उनका और जो पोस्टमास्टर थे उनकी दोनों की मिली भगत से ही ये फ्रॉड हुआ है। अब कहा जाता है कि एजेंट पैसा एजेंट ने खाया, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर कंप्यूटर पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे दिया गया, उसका मिसयूज़ करके एजेंट ने ये किया है। अभी तक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में रफली 8 करोड़ के आसपास का फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। आगे डिटेल इंक्वायरी चलेगी तो वो अमाउंट बढ़ भी सकता है। मुलाकात के लिए नहीं, मेरा तो पहला काम तो आज इनॉग्रेशन में मैं चीफ गेस्ट था तो मैं इसके लिए आया था और फिर हम अपने स्टाफ के साथ भी मीटिंग करेंगे। जो भी है कि ये इन्वेस्टिगेशन तो यहीं की टीम करेगी, यहीं के इंस्पेक्टर्स, यहीं के सुपरिटेंडेंट। अगर हमारे ऑफिस से कोई असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम लोग उसको प्रदान करेंगे, या मार्गदर्शन की ज़रूरत है वो हम लोग प्रदान करेंगे। लेकिन इंक्वायरी अब मेरे अंदर में सौराष्ट्र कच्छ है और उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट है फ्रॉड। अब ये देखिए फ्रॉड या इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज तो नहीं किया जा सकता है तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इससे कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं तो उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हो सकते हैं कौन उस ऑफिस से कितने एजेंट ऑपरेट कर रहे थे ये सब पूरे जांच का विषय है और हम लोग सीबीआई का भी मदद के लिए लिखे हैं या लिखेंगे, लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग का पहला
एम है कि पैसा रिकवर हो। कहे कि अमाउंट बहुत बड़ा है और विभाग का कोई भी फ्रॉड में पहला एम रहता है रिकवरी। तो 10 करोड़ का फ्रॉड है तो हमारे विभाग के कर्मचारी अगर अभी तक इस मामले में एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, वो क्या एफआईआर लॉन्च हो जाएगा? शुरू में अभी उनके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं था और तो वो इस वीक में हो जाना चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और हम लोग ये भी साथ साथ चाह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोकल पुलिस को आप केस दे देते हैं तो फिर सीबीआई वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपने पुलिस को लोकल पुलिस को दे दिया, आप उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन करवाई। तो हम लोग वो भी चाह रहे थे कि सीबीआई एक प्रीमियम संस्था है, अमाउंट ऑफ फ्रॉड ज़्यादा है, तो वो नौबत नहीं आ जाए कि मैं लोकल पुलिस को दे दूँ और फिर सीबीआई वाले कहते हैं कि भाई आपने लोकल पुलिस को दे दिया है तो अब भाई वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो एक एंगल ये भी था, लेकिन हम लोग उसको एक्सपेडाइट करा रहे हैं।